फाइनली आदि पुरुष मूवी आ गई है और वो तुम्हारे भाई ने देख ली। बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आ ही गई है। मेरा रिव्यू बेस्ड होगा सिर्फ मूवी पर। मैं किसी भी धर्म को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी की। ये मूवी बेस्ड है एपिक रामायण की कहानी पर, जिसमें लॉर्ड रामा ये अपने राज्य अयोध्या से 14 साल के लिए वनवास पर जाते हैं अपनी माँ की मांग पूरी करने के लिए, उनकी पत्नी सीता जी और उनके भाई लक्ष्मण जी उनके साथ। लेकिन उनकी शांति भरी जिंदगी में एक रावण जैसा राक्षस आता है और सीता जी को किडनैप कर लेता है। फिर एक युद्ध होता है उनको बचाने के लिए। सबसे अच्छी चीज तो मुझे इस मूवी में ये लगी, प्रभास से इन लोगों ने हिंदी नहीं बुलवाई, क्योंकि राधे श्याम मूवी में प्रभास की हिंदी सुनकर मेरे कान पक गए थे। वैसे प्रभास की वॉइस एक्टिंग इस मूवी में उसी ने करी है जिसने बाहुबली में करी, शरद किलकर। प्रभास ने लॉर्ड रामा जी की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करी है। सैफ अली खान ने भी रावण का रोल बहुत अच्छी तरीके से करा है, फिल्म में जान डाल दी है। स्पेशली वो साधु वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। कृति सेनन ने भी बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग करी है, काफी सारे गूज़बम्प मोमेंट दिए हैं हमें। सभी ने काम अपना बहुत अच्छी तरीके से करा है। पर भाई साहब मैं ये बोलना चाहूंगा, फिल्म को म्यूजिक जिन्होंने दिया है अजय अतुल, उन्होंने अपना काम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करा है। आधे से ज्यादा जान पूरी मूवी में म्यूजिक ने करी है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर वो मूवी के सॉन्ग्स हो, बहुत ज्यादा अच्छे थे वो। एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिला है मुझे म्यूजिक की तरफ से। लेकिन 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 इस मूवी के अंदर कुछ कमियां भी हैं। 500 करोड़ के बजट में बनी हुई इंडिया की सबसे महंगी मूवीज में से ये मूवी आती है, और जब भी VFX और CGI मुझे इस मूवी के बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। कुछ कुछ सीन्स को तुम इग्नोर कर सकते थे, लेकिन कुछ कुछ सीन्स तो ऐसे थे जो बिल्कुल तुम्हारे पर आते हैं और तुम उनको इग्नोर ही नहीं कर सकते। मैं तो ये सोच रहा हूँ 500 करोड़ इस मूवी में लगे हैं तो कहाँ पर लगे हैं। VFX और CGI तो बुरे ही हैं इसके। अब भी मूवी का फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा है सेकंड हाफ से। सेकंड हाफ के लास्ट के 5-10 मिनट मुझे ज्यादा खास लगे नहीं। मेरी मानो तो ये मूवी तुम जाकर जरूर देखो, तुम्हें पसंद जरूर आएगी, एक नया एक्सपीरियंस तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 3.5 स्टार में दूंगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब